तो दोस्तों आज जो पेपर हुआ BSTC का, उसमें जो जीके के प्रश्न आए थे उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ग्राम सेवक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं थे, ऑप्शन में थे उसमें से सही आंसर था काली सिंध और गंभीरी नदी, ये वाला जो ऑप्शन था वो सही था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी पीछे उनकी पत्नी सती हुई थी। तो इसका सही आंसर है तेजाजी। अगला प्रश्न है, मंडावा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मंडावा किले एवं हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। ठीक, अगला है, राजस्थान की कितने राज्यों की सीमा लगती है, यानी कि राजस्थान की जो कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो वो कौन कितने हैं, पांच राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला का नाम है, ये है जंतर मंतर। ठीक है, वेधशाला का क्या नाम है, जंतर मंतर। अगले प्रश्न है, कालीबाई कहाँ की थी। कालीबाई कहाँ की थी, डूंगरपुर। दोस्तों ऑप्शन में रास्तापाल दिया होता, ठीक है, तो रास्तापाल इसका सही आंसर है। अगला है, दर्रा अभ्यारण्य कौन से जिले में है। तो दर्रा अभ्यारण्य है दोस्तों कोटा जिले में। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। दोस्तों कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोटा जिला, कोटा जिलों सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धौलपुर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। दोस्तों इसमें है 928 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोदान ये ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिल जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, बारूड का पठार स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर एवं राजसमंद के मध्य में बोराड का पठार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कितना प्रतिशत है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 10.41%, और ऑप्शन में था दोस्तों 11%, तो 11% आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों ये 15% होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30, क्योंकि मंत्रिमंडल में कितने हैं, 200 सदस्य हैं, 200 का 15% कितना होगा, 30। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है छठी विधानसभा, जो 1977 से 1982 के मध्य में हुई थी। ठीक, 1857 की क्रांति का केंद्र था अजमेर। ठीक है, 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वो अजमेर है, और ऑप्शन में था दोस्तों नसीराबाद। तो नसीराबाद छावनी कहाँ पे, अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी। आवासन मंडल की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1970 को। ठीक, अगला प्रश्न है, कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल कहाँ जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उम्मीद सिंह प्रथम का काल कोटा शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न है, जामर कोटड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जामर कोटड़ा जो खान है वो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा जो सभ्यता है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, उसकी खोज किसने की थी। तो उसकी खोज की थी अमलानंद घोष की तरह। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद है, सबसे कम पाकिस्तान की सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। दोस्तों ये बाड़मेर में ही है, इसका सही आंसर है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर इसका सही आंसर है, और ये सीमा लगाता है 168 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं, मावट से किस फसल को फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों मावट किस कपास जो ऑप्शन है कपास था, उससे मावट से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, अगला, सवाई जयसिंह ने वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनवाई थी। तो इसका सही आंसर है आगरा, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली और वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में भी बनाई गई थी। नेक्स्ट है कान्हड़दे प्रबंध के रचयिता कौन थे। तो इसका सही आंसर है पद्मनाभ। ठीक, कुंभा के समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे। तो सैयद और लोधी वंश इसका सही आंसर है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोकुलबाई भट्ट। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, गोकुलबाई भट्ट ने। और अगला प्रश्न है, जलालागीत का संबंध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? जला गीत होता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में जो पिछली बीएसटी हुई थी उसकी कट ऑफ क्या थी वो एक बार देख लेते हैं। पिछली बीएसटी में जो कट ऑफ आई थी, सामान्य पुरुष की जो कट ऑफ थी वो थी 427 मार्क्स की, महिलाओं की थी 410 मार्क्स। एसबीसी पुरुष की थी 405 मार्क्स एंड एसबीसी महिलाओं की थी 367 मार्क्स की। ऐसे ही एससी जो पुरुष है उनकी 400 मार्क्स एंड एससी महिलाओं की थी 368 मार्क्स की। आगे दोस्तों, जो एसटी पुरुष थे, एसटी पुरुषों की जो कट ऑफ थी वो थी 415 मार्क्स एंड एसटी महिलाओं की थी 385 मार्क्स की। उसी प्रकार एसटी पुरुषों की थी टीएसटी जो पुरुष थे उनकी जो कट ऑफ थी 355 मार्क्स की, और टीएसटी जो महिलाओं थी उनकी थी मार्क्स 310 मार्क्स। ठीक है, और दोस्तों इस साल का जो पेपर है, इस साल वाला 2020 वाला जो पेपर है उसका लेवल था मॉडरेट। ठीक है, तो इसकी दोस्तों मार्क्स जा सकते हैं 350 के आसपास के ऊपर के जो मार्क्स होंगे वो आपके लिए थोड़े बहुत सेफ हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।